हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कंगना रनौत हमेशा अपने बेबाक बयानों को लेकर जानी जाती हैं और अब एक बार फिर से वो चर्चाओं में आ गई हैं। चर्चाओं में इसलिए आई हैं क्योंकि जिस तरीके से वो किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट कर रही हैं, अपनी राय रख रही हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उनको ट्रोल कर रहे हैं। इन सबके बीच में कंगना ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए एक ट्वीट किया है और सिख समुदाय से अपील की है कि वो सच को सच के तरीके से देखें और अंधभक्त बनकर किसी को भी सपोर्ट ना करें। कंगना ने अपने ट्विटर हैंडल पर आशीष जग्गी नाम के एक यूजर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, मेरा सभी राष्ट्रवादी सिख मित्रों से निवेदन है कि आप सभी लोग भारत की आन बान और शान है, उनकी जान और शान है। ये भी कंगना ने लिखा है, कुछ मुट्ठी भर आतंकवादियों को इस गौरवशाली समुदाय की छवि को खराब ना करने दें। राजपूतों की तरह ही सिख भी हिंदू योद्धा हैं। बात करो तो जोड़ने की, तोड़ने की नहीं दोस्तों। तो ये कुछ एक ट्वीट किया है कंगना ने किसानों को लेकर, खासकर सिख समुदाय को लेकर, क्योंकि सब जानते हैं पंजाब से भारी तादाद में किसान आकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कंगना ने की है कि जोड़ने की बात कीजिए, तोड़ने की नहीं, और सच को सच समझिए, गलत को प्रमोट मत कीजिए। एक मुट्ठी भर लोग हैं जो आपके नाम पर देश को बदनाम कर रहे हैं, उनमें आप शामिल मत होइए। ये कहना है कंगना रनौत का। अब देखना होगा कंगना के इस ट्वीट का असर कितना पड़ता है, किस पर पड़ता है, पड़ता भी है नहीं पड़ता है, क्योंकि दूसरी तरफ किसान आंदोलन न सिर्फ देशव्यापी रूप ले चुका है बल्कि विदेशों में भी अब इसकी गूंज सुनाई दे रही है। एक पूरे देश में यात्रा करने का ऐलान राकेश टिकैत की तरफ से कर दिया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर सरकार गांधी जयंती तक यानी कि 2 अक्टूबर तक इन कानूनों को वापस नहीं लेती है तो फिर जो कुछ भी होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। कंगना के ट्वीट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं।